यहाँ अभी तो देखो ऐसा रिपोर्ट कोई कंफर्मिंग रिपोर्ट नहीं है जिसमें कि इरफान खान को इस तरीके की बीमारी बताई गई है, और अभी स्पेकुलेशंस है, सो लेट द कंफर्मेटरी रिपोर्ट कम। एक्चुअली उसको है भी क्या बीमारी, है भी या नहीं है, उनको कोई टाइप का कैंसर है भी है कोई कैंसर नहीं है, तो लेट द रिपोर्ट कम एंड देन विल सी। नहीं, जो रिपोर्ट आप मुझे जिस रिपोर्ट की बात करी उस रिपोर्ट में उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें ये बताया कि उनको कोई रेयर बीमारी है। रेयर बीमारी का मतलब ये नहीं होता कि उनको कैंसर ही हो, रेयर बहुत टाइप की बीमारी होती है, नॉन मैलिग्नेंट बीमारी भी हो सकती है। जीपीएम के कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो वही होते हैं जो हेडेक बताया मैंने, रेज आईसीटी के सिम्टम होते हैं, हेडेक है, वॉमिटिंग है, देन विजुअल ब्लरिंग, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लाइक सीजर्स या कहीं पे लकवा मार सकता है, इस तरीके से हो सकता है। जॉन्डिस और जीबीएम का कोई आपस में रिश्ता या रिलेटेड या सिम्टम्स नहीं है, हो सकता कोई सेपरेट एंटिटी रही हो। ब्रेन कैंसर का मतलब ये होता है जो कैंसर्स ब्रेन में पैदा होते हैं, सो ऑरिजिन ऑफ कैंसर इज ब्रेन, उनको बोलते हैं ब्रेन कैंसर्स। ब्रेन कैंसर में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं वो एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं, जो एस्ट्रोसाइट से शुरुआत होती है, एंड एज पर द WHO क्लासिफिकेशन वी क्लासिफाइज दिस कैंसर्स इन टू ग्रेड्स, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है ऐसे वैसे उनकी सीवियरिटी या एग्रेसिवनेस बढ़ती रहती है। ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमस आर ऑल्सो नोन एज द ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, जिसको हम GBM के नाम से बोलते हैं। GBM या ग्लायोब्लास्टो मल्टीफॉर्मा सबसे खतरनाक, सबसे लीथल टाइप के कैंसर्स होते हैं, ना सिर्फ ब्रेन के कैंसर में बल्कि बॉडी के सारे कैंसर्स को मिला भी लो तो भी GBM वन ऑफ द मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ द कैंसर्स। प्रॉब्लम इन कैंसर के साथ ये होती है कि ये टेंटाकल्स की तरह होते हैं और इसलिए इनका सर्जिकल रिसेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर इनके लक्षण या सिम्टम एंड साइंस की बात करें तो ब्रेन के कौन से हिस्से में या कौन से भाग में ये पैदा होते हैं उसी हिसाब से इनके सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर सिम्टम इनके ब्रेन में ICT रेज, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने की वजह से होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, उल्टी का होना और आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाना, विजुअल ब्लरिंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा फोकल सिम्टम भी हो सकते हैं, ऐसे एरिया में अगर वो कनेक्ट कैंसर हो जाते हैं जिसकी वजह से शरीर में सीजर का आना, जिसको दौरा पड़ना बोलते हैं, दौरा हो सकता है, या शरीर के किसी भाग में लकवा हो जाना, इस तरीके के सिम्टम भी होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है 4th डिकेड में जाके इनके सिम्टम्स कैंसर के चांसेस बनते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है इसी तरीके से उनके कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इनका सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिसेक्शन होता है, और सर्जरी में हम ये एम करते हैं कि मैक्सिमम ट्यूमर निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल रिसेक्शन, जितना मैक्सिमम निकल जाए उतना निकालते हैं, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी अलॉन्ग विद द कंकरेंट कीमोथेरेपी, के रेडिएशन के साथ साथ में कीमोथेरेपी भी दिया है। और जब ये कीमो रेडियोथेरेपी खत्म हो जाती है उसके बाद में भी 6 मंथ तक कीमोथेरेपी देते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रीटमेंट वाइज भी ये कैंसर ऐसा है जिसमें सबसे लंबा ट्रीटमेंट चलता है, सर्जरी भी होती है, कीमो रेडियोथेरेपी भी होती है और उसके बाद में भी कीमोथेरेपी होती है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं। रिकरेंस का मतलब होता है बीमारी का फिर से आ जाना, एक बार हम ट्रीटमेंट कर देते हैं उसके बाद में फिर से आने के चांसेस GBM में इट्स ऑलमोस्ट ए रूल कि कैंसर वापस आएगा ही आएगा। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में कैंसर ट्रीटमेंट करने के बाद में भी दोबारा आने के चांसेस होते हैं। अगर इनके रिजल्ट की बात करें तो हम जब सर्वाइवल की बात करते हैं तो लगभग 5 साल की सर्वाइवल की बात करें तो 5% से भी कम लोग होते हैं जो 5 साल अपना पूरा कर पाते हैं डायग्नोसिस के बाद में। ये बहुत ही ख़राब बात है कि सिर्फ 5% लोग ही 5 साल तक जिंदा रहते हैं GBM एक बार डायग्नोस होने के बाद में। प्रिकॉशंस की बात करें तो अगर सर में दर्द होता है या वॉमिटिंग होती है, सीजर होती है, तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इनके बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो बोलते हैं इमेजिंग या MRI या CT स्कैन जो भी बोलते हैं करा के देख लेना चाहिए कि कहीं ये लक्षण कैंसर के तो नहीं है, और अगर कैंसर है तो टाइम से और सही सेंटर पर जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए।